हजारों मील दूर दराज से काम करने के लिए भिवाड़ी आए श्रमिकों के साथ भिवाड़ी की कई फैक्ट्रियां उनका मेहनताना नहीं देकर उनका शोषण करती है। आज भी भिवाड़ी में स्थित उजाला पंप की फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिकों का गुस्सा उस समय फूट गया जब वो फैक्ट्री में काम के लिए गए लेकिन फैक्ट्री गार्ड ने गेट नहीं खोला और आज छुट्टी होने की बात कही। श्रमिकों ने जबरदस्ती गेट को खुलवाकर गेट पर कंपनी मालिक के खिलाफ नाराजगी जताई। श्रमिकों ने बताया कि उन्हें करीब 3 से 4 माह हो गए लेकिन वेतन अभी तक नहीं मिला। जब भी वेतन मांगते हैं तो उन्हें रोजाना एक नई तारीख दे दी जाती है। प्रदेश में अपनी गुजर बसर कर रहे श्रमिकों के ऊपर अपने परिवार को पालने के लिए संकट खड़ा हो गया है। कंपनी मालिक से पैसे लेने की कतार में सिर्फ श्रमिक ही नहीं बल्कि कई सप्लायर भी लाखों रुपए के लिए कंपनी के चक्कर लगा रहे हैं। सप्लायर विजय यादव ने बताया कि उसका भी कंपनी मालिक की तरफ करीब 24 लाख रुपए बकाया है। रुपए नहीं मिलने से उसकी भी आजीविका पर असर पड़ा है। हमारी सर प्लास्टिक, नाम क्या है आपका? मेरा विजय यादव है। क्या करते हैं आप इस कंपनी के लिए, क्या देते हैं? हम इसके प्लास्टिक कंपोनेंट बना के देते हैं, जो इसके पंखड़ी वगैरह ये लगती है। हम काफी साल से दे रहे हैं लेकिन इसका 24 लाख रुपए हमारा पेंडिंग है। रोज आजकल करता है, कभी मरवाने की धमकी देता है, कभी हमें बिठा के भी रखा है इसने, और कभी निकलने नहीं देता। और काफ़ी मतलब बिल्कुल उस पर आ रहा है कि कभी पुलिस को शिकायत दी इस संबंध में आपने? इसको शिकायत की, एक जांच चल रही है लेकिन वहाँ भी कुछ हुआ नहीं। कब दी थी करीब? पिछले हमने दी थी जनवरी में दी थी, लेकिन उसकी जांच की तो उसमें भी वो दे दिया कि इनका समझौता हो गया। हमारा कोई इनसे समझौता हुआ नहीं, लेकिन फिर भी उनकी जांच दी। फिर हम उसमें जुडिशियल में गए तो वहाँ पे अभी दोबारा जांच के लिए दिया है, जिसकी अभी जांच आई है कल परसों में। आपके अलावा कितने सप्लायर ऐसे होंगे जो पैसों के लिए घूम रहे? आपके अलावा कितने ऐसे सप्लायर हैं जो पैसे? बहुत ज़्यादा सप्लायर हैं। ये करता है कि जैसे हमारे चार वेंडर ले रखे हैं, एक को 50,000 दे देता है, दूसरे से 5 लाख का माल ले लेता है, फिर ऐसे करके बहुत लोगों को फंसा रखा। मेरी जानकारी में कोई 1.5-2 करोड़ रुपए के मांगने वाले हैं। आपका? विजय चौधरी। क्या शुभेच्छा वैसे आपकी? सवेरे आए तो गेट बंद कर दिया, कल बोले थे कि कल देंगे पैसा, रोज आजकल करते हैं, पैसा देते नहीं है। तो आज फैक्ट्री आई, गेट बंद मिला आपको? मेन गेट? हाँ, गेट बंद था। कुछ बताया गार्ड ने? फिर धाका धोकी दिए तो गार्ड ने फिर खोले तो हम लोग अंदर घुसे। क्या कहा गार्ड ने? फैक्ट्री बंद है? हाँ, गार्ड कह रहा है कि रात में हमारे पास फोन आया था, दिनेश गुप्ता फोन कर किया था कि हमारा कंपनी बंद कर दो। कब से काम कर रहे हो आप यहाँ पे? 12 साल हो गए सर। पहले भी कभी समस्या इस तरह? पहले तो नहीं था लेकिन ये 2 महीना से ऐसे ही चल रहा है। अभी कितने दिन की सैलरी इतनी बढ़ी है? अभी कितने दिन की सैलरी इतनी? अभी 2-3 महीने का सैलरी है, 3 महीने चल रहा है। टोटल कितने श्रमिक हैं यहाँ पे, कर्मचारी कितने? कम से कम 150 के आसपास जी। क्या नाम आपका? इंद्रजीत यादव। क्या मामला? ये प्रॉब्लम ये है कि सैलरी नहीं मिल रही आपको, कम से 3-4 महीने से। कितने लोगों को नहीं मिल रही सैलरी पूरे प्लांट की? क्या कह रहे हैं सैलरी नहीं मिल रही? आज देंगे कल देंगे, आज देंगे कल देंगे।